सलाह देने वाले भी एक आदमी भी है, संजय झा जी, तो ही तो है अभी हम लोग के साथ, ये बरकरार है। आंख मूंद कर आप पर विश्वास किया और आपने आंख मूंद कर नीतीश कुमार जी के बीच में छुरा भोंकने का काम किया, उनके बीच में छुरा भोंकने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के जनता दल यूनाइटेड के अंदर आए। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने पास किया है, उनका मेडिकल टेस्ट हो गया, आज तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ, उसको बंद कर दिए और 4 साल के लिए अग्निवीर बना रहे हैं। अग्निवीर भी बना के आप कौन सा काम करना चाहते हैं इस देश में? 4 साल के बाद उसको रोड पर भेज दीजिएगा, वो बेरोजगार कहां जाएगा? और उन 3 लाख लोगों का क्या हुआ जो दौड़ में कम्पीट किए, मेडिकल में कम्पीट किए, सब में कम्पीट किए, उनका मेडिकल टेस्ट हो गया और आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिली। हमने देखा था जब अग्निवीर का योजना लागू हुआ था तो उनके कोई एक बड़ा भाग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विजय वर्गीस, उन्होंने कहा कि अरे पास करेगा 4 साल के बाद तो हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में सबको सिक्योरिटी गार्ड में रख लें, किसी अखबार में देखा था। यही तो सोच है आपकी, यही तो आपको देश चलाने की सोच है, तो देश चलाने की का जो सोच है उसके आधार पर देश तरक्की नहीं करेगा। बिहार अगर तरक्की किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो काम के प्रति समर्पण भाव से भाषण दे रहे हैं। एगो हमरे जो जिनका नाम लिए श्री आरसीपी सिंह साहब जो पहले यहां थे, जिनको मुख्यमंत्री जी ने अपना इस्तीफा देके उनको बना दिया था, उनका भी देख रहे हैं जनमत का अपमान हुआ। अरे जो 4 आदमी नीतीश कुमार जी को लेके चले गए थे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, उसमें आप भी एक थे, तो उसमें जनमत का अपमान आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था? अरे आप तो नीतीश कुमार जी ने जो विश्वास किया, जो आप पर उन्होंने भरोसा किया, आंख मूंद कर आप पर विश्वास किया और आपने आंख मूंद कर नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के जनता दल यूनाइटेड के अंदर आ गए। अब प्रवचन दे रहे, उसमें से 4 आदमी जो हमने कहा सलाह देने वाले में एक आदमी भी है, संजय झा जी, तो ही तो है अभी हम लोग के साथ, ये बरकरार है। मनीष जी कह रहे हैं हम भी थे, आप भी थे क्या? तो इसलिए उसमें एक ही थी और एक जो राज्यसभा में उप सभापति हैं हरिवंश जी, वो कल मीटिंग में नहीं आए थे, वो एकमात्र थे जो नहीं आए थे। हमने उनसे फोन पर बात किया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के ने हमको सार्वजनिक जीवन में लाया है, हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं और नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। तो 2 हो गए और 2 लोग चले गए उधर, एक वो राष्ट्रपति के पत्रकार सलाहकार हो गए, हाँ एक वो तो टोटल एजेंटे हो गए, उनके टोटल एजेंट हो गए। तो ये स्थिति थी।